कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक से होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको बैटिंग प्लान से रिलेटिव आज मैं बटरफ्लाई के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप दोस्तों बैचिंग प्लान चलाते हैं या बैचिंग प्लान आप सीख रहे होंगे तो आपको बटरफ्लाई के बारे में पता होगा कि बटरफ्लाई हमारा कहाँ लगता है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, सिरमेट को डिस्चार्ज करने के लिए बटरफ्लाई लगता है होता है। जैसे मतलब सिरमेट जहाँ से क्लोज ओपन जो गेट कहा जाता है वो बटरफ्लाई के ही नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बटरफ्लाई की सेटिंग कैसे होती है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। बटरफ्लाई को बहुत ध्यान से रखना पड़ता होगा दोस्तों, क्योंकि बटरफ्लाई से हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बटरफ्लाई के अंदर एक रबड़ की सील लगी होती है। अगर वो रबड़ की सील को हमेशा आप साफ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो अगर उस पर किसी चीज़ कंक्रीट चपका रहेगा तो उसको बार बार टच करने के बाद वो फूलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो उससे क्या होता है, आपका धीरे 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 करके गैप बन जाएगा आपको। जब उसमें गैप बन जाएगा दोस्तों तो आपका सिरमेंट वो नॉर्मली धीरे धीरे डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा, तो आपके स्टॉक में दिक्कत आएगा, बाकी आपके क्वांटिटी में दिक्कत आएगा। आप ग्रेड बनाओगे, ग्रेड भी सही से नहीं बन पाएगा, तो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको आज बटरफ्लाई की सेटिंग बताने वाला हूँ दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। बटरफ्लाई की सेटिंग में क्या बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और बटरफ्लाई में एक एक्चुएटर लगा होता है दोस्तों, जिसको एक्चुएटर की सेटिंग जो होती है दोस्तों वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो बटरफ्लाई को ओपन और क्लोज करता है दोस्तों। तो उसकी सेटिंग कैसे होती है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और उसमें एलेंकी की सेटिंग होती है दोस्तों, तो उसको जैसे आप देखेंगे दोस्तों, जिधर एक्चुएटर कसा होता है बटरफ्लाई में, उस साइड तो गैप होता नहीं, आपको उस साइड के बजाय इस साइड एक कट का निशान होता है दोस्तों। तो वो एक मार्का होता है हम लोग का दोस्तों, जैसे आप उस मार्का को देख के ये पता लगा सकते हैं कि हमारा गेट ओपन है या क्लोज है। अगर मार्का ऐसे सीधा है, पट का निशान है, तो समझिए दोस्तों गेट क्लोज है। जैसे आप बटरफ्लाई देखें तो ये जैसे मतलब ऊपर से अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो ये अगर पट का निशान है तो समझ लीजिए गेट क्लोज है। अगर सीधा का निशान है दोस्तों तो समझ लीजिए गेट ओपन है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, गेट ओपन हो तो सीधा हो और गेट क्लोज हो तो एकदम पट हो। अगर आप दोस्तों गेट क्लोज में अगर थोड़ा सा अप और डाउन में है तो समझ लें थोड़ा गैप बना हुआ है, उसमें से सिरमेंट आपका डिस्चार्ज होगा दोस्तों। आप उस चीज़ पे हमेशा ध्यान देते हैं कि सिरमेंट डिस्चार्ज हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप दोस्तों ना देते होंगे तो आप दें जरूर, ताकि आपके कोई भी मटेरियल बनाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों आपको पता लगाने के लिए आप अपने मॉनिटर पे भी ध्यान दे सकते हैं कि हमारा सिरमेंट अगर लेने के बाद माइनस तो नहीं जा रहा है। जैसे हमारा 200 केजी लेना है, 200 केजी ले लिया, लेने के बाद जैसे स्टॉक में रुका रहता है तो वो 1, 2, 3 करके जो माइनस गिरता है दोस्तों, तो समझ ले कि हमारा गेट ओपन है, इसके वजह से वो गिर रहा है। समझ गए दोस्तों, अगर वो क्लोज है एकदम पूरा तो आपका सिरमेंट जितना लिया है दोस्तों उतना पे वो रुका रहेगा। समझ गए दोस्तों, आप उस चीज़ से आप ऊपर में भी केयर कर सकते हैं। जैसे आप मिक्सर चला रहे हैं, मिक्सर पे भी आप ध्यान दे सकते हैं कि मिक्सर हमारा कहीं माल डिस्चार्ज तो नहीं कर रहा है, मिक्सर में कोई प्रॉब्लम तो मतलब नहीं आ रही है। कि जैसे माल हमने पानी डाला, 200 केजी के हिसाब से पानी डाल दिया और वो 200 केजी से ज़्यादा सिरमेंट ले रहा है तो उतना पानी में वो टाइट हो जाएगा, माल आपका गेट फंस जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लमें आएगी दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको सेटिंग पे बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। तो इसीलिए मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे दोस्तों। आज मैं बटरफ्लाई की पूरी सेटिंग बताने वाला हूँ आपको कि बटरफ्लाई की सेटिंग होती कैसे है। तो चले दोस्तों मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ओके दोस्तों, तो देखे दोस्तों ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई है और ये एक्चुएटर लगा हुआ है जो माइक्रो स्विच के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्चुएटर लगा हुआ है दोस्तों। तो अब मैं इसको खोल के आपको हम दिखाएंगे कि इसकी सेटिंग कैसे होती है। सबसे देखते हैं यहाँ से दोस्तों, ये जो पोर्शन दे रखा है यहाँ से इस बोल्ट को, ये जो बोल्ट है इस बोल्ट को टाइट करने से और ढीले करने से ये एडजस्टिंग होता है दोस्तों। एडजस्टिंग बोल्ट यही है एक्चुएटर में इसकी दोस्तों। ये एक्चुएटर कैसे काम करता है वो देख लें दोस्तों। इसकी सेटिंग यहाँ से ये बोल्ट खोल के एक्चुएटर अलग हो जाएगा, यहाँ से बोल्ट खुलेगा, ये वाला 16-17 का जो चाबी यहाँ पे लगेगी, 16 नंबर चाबी से यहाँ से खोल के एक्चुएटर अलग हो जाएगा बटरफ्लाई से। और फिर बटरफ्लाई को सफाई करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं इसमें
ये रबड़ की सील है, इसमें ये रबड़ की सील है। मैं आपको इसको खोल के भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे ये होता है। दोस्तों ये आपको खुल रहा है, इसमें देखें ये जो रबड़ की पैकिंग लगी हुई है, देखें दोस्तों ये जो है ना दोस्तों, ये रबड़ की पैकिंग लगी है। ये रबड़ की पैकिंग अगर इसकी सफाई नहीं करेंगे तो ये रबड़ की पैकिंग फूल जाती है। तो ये बटरफ्लाई आपका सेट करने के लिए दोस्तों आपको ये चाबी से इसको ढीला करना पड़ेगा। ये जो एडजस्ट जो बोल्ट है ये 30 नंबर बोल्ट है, नट है, और नट को 30 नंबर नट को ढीला करना है। और ढीला करके आपको दोस्तों एलेंकी से इसमें एलेंकी लगा के ऐसे, और इसको हमें अगर इसके अंदर जो में एक सर्कल चलता है जो आपको ये गेट प्रेशर कंप्रेसर ईयर के द्वारा न्यूमेटिक पाइप लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, इसके अंदर सिलेंडर जग है, ये सिलेंडर जग की तरह काम करता है ये। तो जैसे इसका सर्कल आगे पीछे करता है तो गेट क्लोज ओपन करता है, प्रेशर से गेट ओपन क्लोज करता है ये दोस्तों। ये सेटिंग यहाँ से माइक्रो स्विच है, इसका सेटिंग यहाँ से लिंकी से इस बटरफ्लाई की सेटिंग होती है। प्रॉपर आपको यहाँ से अलग करके और इसको सेट करना पड़ता है दोस्तों, समझ गए दोस्तों। अब आपको दोस्तों मैं एक चीज़ और दिखा दूँ जो आपको लकीर के बारे में मैंने बताया था दोस्तों। तो देखें इस साइड में, देखें ये लकीर आपको दिखती होगी, देखें दोस्तों इस साइड में, देखें यहाँ पे एक लकीर दिख रही है दोस्तों। ये क्लोज रहेगा तो दोस्तों ये पट रहेगा दोस्तों, देखें ये क्लोज रहेगा तो ये पट रहेगा, और ओपन रहेगा तो ये पट, ये लकीर ऐसे रहेगी। देखिए दोस्तों आपको लकीर दिखती होगी, तो इस तरह से दोस्तों इसकी फिटिंग होती है। अगर दोस्तों इसको हमें रबड़ अगर नया चेंज करना है या ये रबड़ ख़राब हो गया, सील हमको चेंज करना है, तो देखें ये एलेंकी बोल्ट है, इस एलेंकी बोल्ट में 6 नंबर एलेंकी लगती है। तो एलेंकी बोल्ट खोलने के बाद और इसको एक पार्ट अलग कर लें और एक पार्ट नीचे का जो है अलग कर लें, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा दोस्तों। देखें यहाँ से ये दो पार्ट है, एक पार्ट यहाँ एक पार्ट यहाँ, ये दोनों अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद इसका रबड़ अलग निकल जाएगा, अलग निकाल के फिर इसको सेट कर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। दोस्तों आज मैं बटरफ्लाई की सेटिंग आपको बता दिया दोस्तों कि बटरफ्लाई की सेटिंग होती कैसे है, ऐसे ही सेटिंग आपको करना है और हमेशा आपको साफ सफाई पे दोस्तों ध्यान देना है। तो चले दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि आप जब अगर मेरे नए चैनल पे होंगे दोस्तों, मेरे नई वीडियो आप देखते होंगे दोस्तों, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि हर वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। तो अब नए इस टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलता हूं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ओके बाय दोस्तों।